नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में मिली सफलता के बाद भाजपा के सभी सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष, प्रभारी और प्रदेश पदाधिकारियों की भोपाल में बैठक हुई। इसमें संगठनात्मक गतिविधियों के साथ परिणामों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कैबिनेट मंत्री और विधायक भी शामिल हुए। साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब अपने संगठन को और मजबूत करने पर जोर दे रही है। इसके साथ ही वोट शेयर बढ़ाए जाने पर भी फोकस किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव को दृष्टि में रखते हुए संगठन की गतिविधियों को विस्तार देने की कार्य योजना पर काम होना है। पार्टी के वोट शेयर में 10% वृद्धि के लिए मतगणना केंद्र स्तर पर संपर्क केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद आदि कार्यक्रमों का संचालन किया जाना है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संगठन महामंत्री हितानंद सहित अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। बीजेपी की इस परफॉर्मेंस ऑडिट को लेकर मंत्रियों की अलग अलग राय है। हालांकि सभी का मानना है कि सरकार और संगठन बढ़िया काम कर रही है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में। हम पहले किसान है, बाद में मंत्री और मुख्यमंत्री है, और इसलिए यह सरकार किसान के हर संकट में उसके साथ खड़ी है। और किसान की क्षति की पूर्ति सरकार RBC 6-4 में और फसल बीमा इस बार हमने फसल बीमा का, जो अभी तक बीमा होता था सिर्फ KCC किसानों का, लेकिन इस बार हमने डिफाल्टर किसानों का बीमा कराया, अरिणी किसानों का बीमा कराया और वन ग्राम का भी बीमा कराया जो कभी नहीं होता था। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां वन ग्राम में वनवासी रहते हैं जिनके पास वन भूमि है। क्योंकि वो राजस्व ग्राम नहीं है इसलिए पटवारी हल्का नहीं है, पटवारी हल्के के हिसाब से बीमा नियम है, लेकिन हमने राजस्व ग्राम से लिंक करके उनका सबका बीमा कराया है और 74-75 लाख किसानों का बीमा हुआ। इसलिए बीमा कंपनी से भी किसानों को क्षति की पूर्ति कराएंगे। अब आप कहते हैं कि फसल खराब हो गई, लेकिन फसल अच्छी भी होती तब कब आती? फसल नवंबर में आती, तब किसान को पैसा मिलता। हम RBC 6-4 में नवंबर के पहले और बीमा का पैसा भी किसान को दिलाएंगे ताकि किसान को कोई क्षति नहीं हो। क्योंकि हम मानते हैं कि किसान सिर्फ अपने लिए खेती नहीं करता है, राष्ट्र के लिए खेती करता है। और इसलिए बिल्कुल निर्देश दे दिए हैं, सर्वे का काम शुरू। पार्टी की बैठक है आज, पार्टी की बैठक में सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, सभी संगठन के पदाधिकारी, सभी को बुलाया गया है और जो पार्टी के कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों के बारे में सबको जानकारी दी जाएगी। तो वो सब कार्यक्रम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी से करें, इसलिए ये बैठक आज पार्टी की यहाँ पर हो रही है। बैठक में कार्यक्रमों की, पूर्व के कार्यक्रमों की समीक्षा भी होगी और आगे के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। देखिए, कांग्रेस लगातार टूट रही है, कमज़ोर हो रही है और कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए कि लोग कांग्रेस छोड़ के ना जाएं, और इसलिए कांग्रेस ही प्रचारित कोशिश करने की कोशिश करती है कि वो ये कर रही है, वो कर रही है। तो कांग्रेस के बारे में सब जानते हैं और अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। सर, राहुल गांधी आ रहे हैं नवंबर में और वो दौरा करने वाले हैं। भारत जोड़ो आंदोलन के तहत 18 दिन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में गुजारेंगे, तो उम्मीदें बहुत हैं उन्हें मध्य प्रदेश में। देखिए, भारत को तोड़ने का काम ही उनके परिवार ने किया है, तो उनको तो भारत जोड़ो की जगह भारत तोड़ो का पश्चाताप यात्रा करना चाहिए। उनको पश्चाताप यात्रा करें। आज जो देश के सामने चुनौतियां हैं, इस सब चुनौतियों के लिए जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी है, तो भारत को तोड़ने का काम किया है, जोड़ने की बात करो। खबर समय जगत के लिए भोपाल से शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।